चलिए एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, यूपीएससी ने नहीं निकला तो बनी फर्जी आईएएस। वो आईपीएस आईएएस बनकर अधिकारियों पर बनाते थे दबाव, और ऐसे में इस मामले में 4 बार पहले भी की जा चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में फर्जी अधिकारी गिरफ्तार हुई है और नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यूपीएससी नहीं निकला तो बनी फर्जी आईएएस। रो आईपीएस आईएएस बनकर अधिकारियों पर बनाती थी दबाव, और इस मामले में 4 बार पहले भी जा चुकी है जेल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उसमें एक 306 के केस में यह इस तरह की गतिविधि कर रही थी, और अपने पक्ष में मुकदमा करवाने के लिए इसने आईओ को और एसएचओ को कॉल किया था। यह पेमेंट्स बिटकॉइन के थ्रू करवाती थी, और जो ऐप है पोर्ट से उसमें ऐप उसमें बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट होते थे, उसकी भी हमको इसमें रिसिप्ट मिली है। ये चौथी बार जेल जा रही है। इसके पहले भी ये नोएडा से 2019 में अप्रैल के महीने में जेल गई है, और तब ये महिला ने फर्जी अफसर बनकर एस्कॉर्ट मंगाने के नाम पर ही जेल गई थी। इसके बाद ये मेरठ से जेल गई, और उसके बाद ये 2023 में पिछले साल एस्कॉर्ट मंगाने के नाम पर गुड़गांव से ये जेल गई। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ शिव त्यागी जुड़ चुके हैं। शिव त्यागी, नोएडा में फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ ज्यादा अपडेट? देखिए, नोएडा के सेक्टर 142 थाना पुलिस की तरफ से ये पूरी गिरफ्तारी की गई है। पिछले काफी समय से एक महिला जो अधिकारी बनकर यहाँ पे कॉल कर रही थी, और कॉल करने के बाद यहाँ पे पुलिस कर्मियों को धमका रही थी। इसी मामले में जब पुलिस की तरफ से जांच की गई तो ऐसे में कई खुलासे हुए हैं, जिसकी गिरफ्तारी जो है खान नाम की महिला की गई है। ये मेरठ की रहने वाली है, मेरठ से भी पहले जेल 2019 में जा चुकी है। यूपीएससी की जो परीक्षाएं थी उनको पास नहीं कर पाई थी, जिसके बाद मेरठ से एस्कॉर्ट मांगने के चक्कर में सदर थाना पुलिस से भी यहाँ से सिविल लाइन थाना पुलिस के द्वारा इसको जेल भेजा गया था। अभी ये पूर्व में 4 बार ये जेल जा चुकी है। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं कि ये आईडी बदलकर ये कॉल किया करती थी, वहीं कई एप्लीकेशन का ये इस्तेमाल करती थी, जिस एप्लीकेशन से ये कॉल करती थी उस एप्लीकेशन को पे ये आवाज बदल देती थी, और आवाज बदलने के बाद महिला होकर खुद पुरुष की आवाज में बात करती थी, जिससे कि पुलिस कर्मियों को यकीन हो ये अपने आप को फर्जी रॉ के अधिकारी बताती थी। कई बार ये सुरक्षा मांगने के लिए खुद गृह मंत्रालय या अलग अलग मंत्रालयों से ये फोन कर दी थी, तो वो लगातार जिस तरीके से इंटरनेट कॉलिंग करके या उस सीयूजी नंबर जो जो पुलिस के ऑफिशियल नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को ये अलग अलग आईडी से खंगालने के बाद उनको कॉल किया करती थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जो ये बिटकॉइन के द्वारा इसने पूरे पैसे मंगाए थे उसकी रिसिप्ट भी पुलिस को बरामद हो गई है। वहीं जो सिम कार्ड है, जिस सिम कार्ड से ये कॉल किया करती थी, उसको भी यहाँ पे पुलिस ने बरामद कर लिया गया। अभी जब इसको रिमांड पे लिया जाएगा उसके बाद कई अहम खुलासे होंगे, और ये साफ हो पाएगा कि आखिर किसकी सह पे या किसके कौन कौन इसके साथ संलिप्त किन किन लोगों की है। और सबसे पहले जिस तरीके से इसका आपराधिक इतिहास निकल के आया गया, 4 बार जेल गई थी, तो ऐसे में अलग अलग कौन कौन से मामले थे और किसमें भी किसके द्वारा इसकी मदद की गई थी। जी शिव त्यागी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।